हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, और उनके कुछ मिलते जुलते जवाब जिसको देकर आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे उनको पता चल सके कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है ये, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले ये पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो उसमें आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना प्लेस बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर आप बताएंगे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसके बाद उससे पहले आपने क्या किया था वो बताएंगे, फिर आप अपनी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स बताएंगे कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आपने क्या क्या अचीव किया है अपने पूरे कैरियर में जो आपने पढ़ाई की है उसमें। फिर आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, मैं आपको क्यों अपनी कंपनी में लूं। तो इसका जवाब आपको स्मार्टली देना है, आपको अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बतानी है, आपको अपनी बड़ाई नहीं करनी है वहां पर। आपको बस ये बताना है कि आप कितने सीरियस हो अबाउट जॉब के बारे में, आपको कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे, यही सब आपको वहाँ बताना है। और आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं, जो आपके अंदर स्किल्स एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से कंपनी को फायदा होने वाला है, ये आपको वहाँ पर बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं या आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम आपको लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसे डेवलप कर लीजिए जिसको आप वहां पर बता सकें। ठीक है, जैसे जैसे पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, लीडरशिप, ऑनेस्टी, इस तरह की जो भी टर्म्स हैं अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप उनको कुछ पॉइंट्स लिस्ट कर लीजिए और एक एग्जांपल के साथ वहां पर आपको वहां पर बताना है कि आपको आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आर यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर स्टडीज। वो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आपको स्मार्टली उसका जवाब देना है। आपको ऐसा जवाब नहीं देना है कि उसको लगे कि अभी 1 साल बाद अभी यहाँ करेगा फिर छोड़ के भाग जाएगा पढ़ाई करने के लिए। आपको ऐसा जवाब देना है कि उनको ये ना लगे कि ये अभी यहाँ 2 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा कि जिससे कंपनी को लॉस होगा। आप ऐसा जवाब दीजिए कि आप वहां पर अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटीज है, उसको यूज करके 25 साल, 10 साल, 15 साल तक वहां रहने वाले हैं और कंपनी को बहुत हायर पोजिशन पर ले जाएंगे। इस तरह से आपको वहां पर जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी। अगर इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इंटरव्यू में जाने से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए कि वो कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, वो किन प्रोडक्ट्स पर काम करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट करके प्रिपेयर करके तब जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो छठा क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या हैं। तो आपको ऐसा नहीं बताना है कि ऐसी कमजोरी आपने बता दी जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो जाए, राइट। आपको ये बताना है कि उस कमजोरी की वजह से कंपनी के प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि मैं बहुत ही टॉकेटिव हूँ, टॉकेटिव मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा आप अगर आपका क्लाइंट मीटिंग में बैठेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस से वो इम्प्रेस हो सकते हैं।
आप ये बता सकते हैं कि आई कांट से नो, मतलब अगर आपको कोई हेल्प मांगता है तो आप नो नहीं कर सकते, ना नहीं करते हैं और उसकी हेल्प कर देते हैं, ये आपकी कमजोरी है। या आप बता सकते हैं कि मैं बहुत इमोशनल, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस ये आपका एक पॉजिटिव वे में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। अगर एचआर आपसे पूछता है कि हमारी कंपनी में आप क्यों करना चाहते हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका गोल है, ठीक है, या जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, तो वो आपका उस कंपनी के वर्क कल्चर, उस कंपनी का प्रोडक्शन, उस कंपनी के जो ग्रोथ है उससे रिलेट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कुछ बताइए कि मेरा जो गोल है वो ये है, और जो कंपनी का जो गोल है वो दोनों मैच कर रहे हो, इससे उनको लगेगा कि अच्छा इसका गोल ये है और हमारी कंपनी का भी गोल ये है तो मैच कर जाएगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, ये हो सकता है कि व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। ठीक है, मतलब कि आपका कैरियर गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप जस्ट बस वहां पर ये इतना कह सकते हैं जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है, जो आपने रिज्यूमे में आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लोर करके बताना है, ना कि जो आपने लिखा है उसको लाइन बाय लाइन वहां पर रीड करना है। ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है उसी को ही आपको वहां पर बताना है, ये नहीं कि आपने लिखा कुछ और आप वहां बता कुछ और रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कितना सैलरी चाहते हो इस जॉब के लिए। तो आप ऐसा कभी मत बोलना कि मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 35,000 चाहिए, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आप ये बोलिए कि जो भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे मुझे वो मंजूर होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि एनी क्वेश्चंस, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये मत बोलिए कि नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आप ये बोलिए, सबसे पहले आप उनको थैंक्स बोलिए कि थैंक्स आपने मुझे मौका दिया पूछने का। ठीक है, उसके बाद आप बोलिए, आप पूछ सकते हैं कि जो कंपनी है वो क्या फैसिलिटीज दे रही है, आप वहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है आपका। आप ये पूछ सकते हैं कि जॉब की टाइमिंग क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, अदर अलाउंसेस में आप क्या क्या देते हो, इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और पूछने के बाद लास्ट में आप उनको थैंक बोल के बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जाइए तैयार कीजिए ये सारे क्वेश्चंस और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, उनके एक चीज ध्यान रखना है, उनके आंख से आंख मिला के बात करना है, ना कि इधर उधर दाएं बाएं देखते हुए बोलना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली बोलना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।